स्वामी जी महाराज ने नाम जाप के साथ हमें कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम तेरे जीवन में कर्म और धर्म, कर्म से तात्पर्य सेवा कर्म, धर्म से तात्पर्य सेवा धर्म, इसका बोध करवाया। कर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम, हमें अपने जीवन में अपने साधन काल में सेवा कर्म को अपनाना है, सेवा धर्म को अपनाना है और साथ में नाम का जाप सिमरन ध्यान चिंतन उपासना भजन ये साथ जीवन का अंग बनाना है। श्रीमद् भगवत गीता प्रणाम है। भगवान कह रहे हैं तीनों वेदों के ज्ञाता सोम रस पीने वाले पाप रहित जन यज्ञों से मुझे पूजकर स्वर्ग की गति की प्रार्थना करते हैं। वे याजक पुण्य रूप देव लोक को पाकर स्वर्ग में दिव देव भोगों को भोगा करते हैं। वे वहां महान स्वर्ग लोक भोग कर पुण्य कर्म फल समाप्त हो जाने पर फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार त्रयी धर्म वाले फलों की कामना सहित जन जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। जो केवल कर्म कांड करते हैं वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते, अपार सुखों की प्राप्ति निश्चित समय के लिए वह अवश्य मेव कर लेते हैं। वह ब्रह्म लोक तक प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्म लोक तक सभी लोक, ये नीचे के चंद्रलोक इत्यादि पितृलोक ये सब आने जाने वाले हैं। कहां तक है? ब्रह्म लोक तक। पुण्य कर्म करके शुभ कर्म करके सेवा कर्म करके परंतु नाम जाप नाम ध्यान ना करके वे उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। मैंने सेवा कर ली, मैंने पुण्य कर्म कर लिए, मैंने शुभ कर्म कर लिए, मैंने दान दे दिए, यही विधि निश्चित रूप से अपार सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। और साधक मानव जो सतगुरु के मिलाप के बिना इस साधनों को साधते रहते हैं वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। अब देव अधिदेव कृपा से जब पूर्ण गुरु का मिलाप हो जाता है, पूर्ण गुरु तेरा कर्म तेरा धर्म ये तो है ही, ये तेरा तेरे पापों को दग्ध करने में सहायक होगा। सेवा कर्म सेवा धर्म दान पुण्य पर हित परोपकार, परंतु तेरी आत्मा का उद्धार कल्याण और मोक्ष बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटना, क्योंकि इस लोक में भगवान ने कहा इस प्रकार त्रयी धर्म वाले फलों की कामना सहित जन जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी और ये मृत लोक दुखों का घर है। यहां पर सुख भी है, वहां पर दुख भी है, परंतु उस धाम तक गुरुदेव लिए चले जो सुख को चाहे सदा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी।
जो सुख को चाहे सदा शरण राम के ले। अब ये पुण्य कर्म करके, शुभ कर्म करके, सेवा करके, परहित प्रकार करके, तू राम नाम की शरण को ग्रहण कर, नित नियम से प्रातःकाल, सायंकाल अथवा जो समय तुझे अनुकूल हो उसके परम पावन पवित्र नाम का जाप कर और कामना रहत प्रीति कर, तो उससे उसका पूजन कर, कामना रहत प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फलदान। तीनों वेदों में कर्म कांड, तीनों वेदों में कर्म कांड, जो जो भी आप याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वह पूर्ण कर देता है। अन्न पान देवे वह नाना, धान धनादिक दाता माना, लाभ विजय शोभा सुख देवे। तुम याचना करते हो मुझे लाभ प्राप्त हो, मेरी विजय हो, मैं समाज में शोभायमान हूं, मुझे सुखों की प्राप्ति होवे, इसके लिए वह यज्ञ करते हैं कामना रख करके। लाभ विजय शुभ, लाभ विजय शोभा सुख देवे, याचक जन की भेंटे लेवे, वह दान पुण्य जो भेंट करते हैं किसके लिए, पुत्र पौत्र पत्नी सुखदाई, इसके लिए याचना करते हैं और यज्ञ करते हैं, सेवा पर हित प्रोपकार करते हैं। देवे सब ही होवे सहाय, वह सब कुछ दे देता है। फिर चार प्रकार के पुण्य कर्मी उसका भजन करते हैं, दुखों के नाश के लिए, रोगों के नाश के लिए, कामना सहित अपना वह पूजन करते हैं, रोगी के हाथ से द्रव को दान करवाते हैं, अन्न को दान करवाते हैं, उसके हाथ से रुपए पैसे का दान करवाते हैं, कपड़े का दान करवाते हैं, किस भाव से, इसका रोग दूर हो जावे, इसके कष्ट दूर हो जावे, वह स्वास्थ्य लाभ देता है। देवे वही दुख नाशक सोहे, सभी दुखों को नाश करने वाला, याचना करने वाले को वह उसके मनोरथों को पूर्ण करता है। क्यों करता है, महिमा से मानव मन मोहे, जो इस मार्ग पर चलते हैं अपनी महिमा को वह स्वयं बरकरार रखता है, मन को मोह लेता है मानव के, कि मैंने ये कर्म कांड किया, मैंने दान पुण्य किए, मैंने ये यज्ञ किए और मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, मन को मोह लेता है। इसलिए प्रत्येक मानव शुभ कर्म में उसको आवाहन करता है कि मुझे मेरी तेरी सहायता प्राप्त हो। जाने सुने करे स्वीकारा, वह सब जानता है तेरे भीतर की, वह जानता भी है, वह तेरी सुनता भी है, जो याचना करता है। करे स्वीकारा, वह स्वीकार भी करता है। सर्वशक्ति में देव अपारा, वह सर्व शक्तियों का स्वामी है। हां, तूने देवी देवताओं से मांगा, वह तेरी दृढ़ निश्चय उसी में पक्का कर देवेगा और जानने का उसमें ही तेरी प्रीति सुदृढ़ कर देवेगा। तू देख तेरी वृत्ति कैसी है, वह उसी को पक्का कर देगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ये तो आप कह रहे हैं देने वाला मैं हूं, तो वह देवी देवताओं से मांगता है, अविधि से मेरा पूजन है ये। भगवान ने कहा, देने वाला तो मैं ही हूं, व्यवहारिक जीवन में मैनेजर से
तनख्वाह प्राप्त कर रहा है, बोनस प्राप्त कर रहा है, परंतु पीछे देने वाला तो मालिक है, कर्मचारी, इमीडिएट बॉस जो मैनेजर है उसको ही महत्व देता है कि यह प्रसन्न रहे। बस यही वह साधक करते हैं, देवी देवताओं का पूजन करते हैं, देवी देवताओं को भी देने वाला वह परमात्मा ही है। सूर्य की उपासना, गायत्री का पाठ करने वाले, भगवान ने कहा सूर्य को पूजन करने वाले वास्तव में सूर्य का प्रकाश तो मेरा ही प्रकाश है। ईद में करवा चौथ पर चांद को दर्शन करके अर्क देने वाले, भगवान ने कहा वह मैं ही तो हूं, मुझे ही तो प्राप्त होता है, मैं ही तो मनोकामना पूर्ण करता हूं। परंतु जो जैसी श्रद्धा वाला है, मैं उसकी निष्ठा, उसका विश्वास उसी में पक्का कर देता हूं। साधारण जन समुदाय, यह भगवान क्यों करता है? अन्यथा इस संसार में अस्त व्यस्त हो जावे, अगर उनकी मनोकामनाएं ना पूर्ण हो तो अराजकता फैल जावे। इसलिए समाज का मैं अनिष्ट नहीं करता, जो जिस प्रकार से श्रद्धा वाला है उसकी श्रद्धा मैं उसी प्रकार से पक्का कर देता हूं। परंतु जो अनन्य भाव युक्त जन, 22वां श्लोक 9वां अध्याय, जो अनन्य भाव युक्त जन, मुझको चिंतन करते हुए मुझे अराते हैं, उन सदा मुझ में रहने वाले उपासकों का योगक्षेम मैं चलाता हूं। अब उन्हें क्या अधिकता हो गई? साधारण मानव कर्म कांड करके, यज्ञ करके, याचना करके अपने सुख और अपने लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं, कामना सहित यज्ञ करते हैं, दान पुण्य सेवा परहित परोपकार करते हैं, श्लोकों का उच्चारण करते हैं, उनको केवल उतना ही प्राप्त हो जाता है, केवल उतना ही प्राप्त हो जाता है। जन्म मरण के चक्कर से वह नहीं छूटते। अब जो इन कर्म कांडों को करते हुए अनन्य भाव युक्त जन मुझको चिंतन करते हैं, मुझको चिंतन करते हैं, सिमरन, जाप, ध्यान, लीनता की लय अवस्था में उस परम पिता परमात्मा श्री राम से एकाकार कर लेते हैं। दान पुण्य दोनों ने किए, परंतु गुरु महाराज की पद्धति के साथ सिमरन जाप ध्यान का करना, गाना हरि गुण ग्राम, चिंतन ध्यान जाप का करना, यह हमारी पद्धति साथ है। हम केवल दान पुण्य सेवा पर हित उपरोपकार करके उससे संतुष्ट नहीं हो जाते, क्योंकि यह सुख देता है, अपार सुख देता है, मोक्ष नहीं देता। और हमारी पद्धति मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए और अपने बंधन जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काठ, उन बंधनों को भी समाप्त करना है। जब भगवान योग क्षेम अपने हाथ में ले लेता है, साधक को
अलग से पत्र जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अलग से पीपल को जल देना, धागा बांधना, चुनरी चढ़ाना, यह अलग से आवश्यकता नहीं रह जाती। आपने तो सर्वश्रेष्ठ को नमन कर दिया। एक व्यक्ति डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर और चीफ मिनिस्टर इसको निमंत्रण देता है और एक व्यक्ति राष्ट्रपति को बुला लेता है, तो ये नीचे के सभी सूबेदार, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर पुलिस, ये सब अपने आप तुम्हारे आगे पीछे हो जावेंगे, वो तेरी व्यवस्था को स्वयं संभाल लेंगे। परमपिता परमात्मा को वह पूजन करने वाले समस्त देवी देवता उसकी सहायता के लिए तत्पर रह जाते हैं। जो अनन्य भाव युक्त जन मुझको चिंतन करते हुए मुझे अराते हैं, उन सदा मुझ में रहने वालों उपासकों का योगक्षेम मैं चलाता हूं। हे कुंती पुत्र, जो भी श्रद्धा युक्त भक्त अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी अविधि से मुझे ही पूजते हैं। जो भी श्रद्धा युक्त भक्त अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी अविधि से मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु भी हूं। वे अन्य देव पूजक वास्तव में मुझे नहीं जानते, इस कारण आदर्श से गिर जाते हैं, वे जन्म मरण से पार नहीं पा सकते। अग्नि आदि देवों के पूजन के व्रतों वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों को पूजन करने के व्रती पितृलोक को पाते हैं, भूतों के पूजक भूत लोकों को प्राप्त होते हैं और मुझको पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं, जहां से जाकर फिर जीव नहीं लौटते। जहां से जाकर जीव नहीं लौटते, वह परम शांत धाम को प्राप्त कर लेते हैं, सदा के सुख उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार, उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार, दिया दीवा सुदीप्ता परम दिव्य हरि नाम, पड़ी सूज निज रूप की जिससे सुधरे काम, कर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम, गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनौ का से किया जिसने भव से पार। ये है पूर्ण गुरु का लाभ, जिसने वह मार्ग दे दिया जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अडंबरों से बचा दिया। ये देव आदि देव की कृपा है, अभिमान नहीं, केवल इसका चिंतन कि वह परम पिता परमात्मा मेरी सहायता, मेरे उद्धार के लिए, कल्याण के लिए किस प्रकार तत्पर है, किस प्रकार मुझे पथ प्रदर्शन कर रहा है। मैं देव अतिदेव को नमन करता हूं।
कृपा दया के लिए सदैव याचना करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सर्वशक्ति मते परमात्मनि श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मनि श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्रीरामाय।